अस्सलाम वालेकुम। नोबल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल से श्याम मकरम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की हमारी वीडियो का मकसद है जी कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर कुछ नई अपडेट्स आई हैं जो हम अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम अपने क्लाइंट्स तमाम लोगों हैं जिन लोगों ने कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है उन तमाम लोगों के लिए ये खबर है। तो सबसे बड़ी खबर जी इस वक्त जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से आई है वो है कि एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी को M2 मोटरवे से एक डेडिकेटेड इंटरचेंज दिया जा रहा है। NHA से ये एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि जो M2 मोटरवे है ठलिया इंटरचेंज से चक्री इंटरचेंज के दरमियान से कैपिटल स्मार्ट सिटी को एक डेडिकेटेड इंटरचेंज दिया जा रहा है जो सिर्फ कैपिटल स्मार्ट सिटी के लिए होगा जी। इस न्यूज़ की जो काफ़ी लोग पिछले 2-3 साल से इंतज़ार कर रहे थे और डिफरेंट खबरें मार्केट के अंदर गर्दिश कर रही थी जी कि कैपिटल स्मार्ट सिटी को इंटरचेंज नहीं मिलेगा, वो एक गलत क्लेम कर रहे हैं कि हम वहाँ से इंटरचेंज लेंगे, एक हाउसिंग सोसाइटी को कैसे एक इंटरचेंज मिल सकता है, इस तरह की खबरें आ रही थी वक्तन फवक्तन मार्केट के अंदर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने इसके ऊपर बड़े पॉजिटिवली काम किया है, अच्छे तरीके से काम करके आज एक डेडिकेटेड इंटरचेंज मोटरवे से अप्रूव करवा लिया। एक बड़ी पॉजिटिव खबर है तमाम इन्वेस्टर्स के लिए जिन लोगों ने कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्ट किया, इससे बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा उन तमाम इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर लोगों ने किए, और इंशाल्लाह रेट्स के ऊपर भी बड़ा पॉजिटिव एक फ़र्क आएगा। उसके अलावा जो दूसरी खबर है जी कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने ओवरसीज सेंट्रल की बैलेटिंग कर दी। सैटरडे को एक इवेंट हुआ है कैपिटल स्मार्ट सिटी साइट के ऊपर और मैनेजमेंट ने एक बैलेटिंग की है ओवरसीज सेंट्रल की। उन तमाम लोगों ने जिन लोगों ने कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर ओवरसीज सेंट्रल में इन्वेस्टमेंट की थी और टाइमली अपनी पेमेंट्स जमा करवाते रहे उन लोगों को प्लॉट नंबर एलोकेट कर दिए गए हैं। वो अपने पोर्टल के ऊपर जाकर अपना प्लॉट नंबर देख सकते हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्दी प्लॉट्स को पोजेशन की तरफ लेके जाया जाएगा। ये भी एक बड़ी बेहतरीन खबर है, उन तमाम लोगों को मुबारक हो जिन लोगों ने अपनी टाइमली पेमेंट्स की हैं और उनको प्लॉट नंबर एलोकेट कर दिए गए हैं, और ये भी इंशाल्लाह उनकी इन्वेस्टमेंट्स में एक पॉजिटिव फ़र्क डालेगा। तीसरी खबर जो है जी कि वाप्टा ने कैपिटल स्मार्ट सिटी के लिए 1 मेगावाट का एक जो एनर्जी सप्लाई है उसकी भी अप्रूवल दे दी है, और कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट का कहना है कि ये 1 मेगावाट जो एनर्जी है ये इंशाल्लाह इसकी अगले 10 से 15 साल के लिए कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो रेजिडेंशियल नीड्स हैं उनको इंशाल्लाह पूरा करेगी। तो ये कुछ पॉजिटिव खबरें थी कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आने वाले वक्त में जो भी कोई खबर कैपिटल स्मार्ट सिटी या पिंडी इस्लामाबाद में बाकी दीगर हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से हो वो आप लोगों के साथ अपने YouTube चैनल के थ्रू शेयर करते रहें। उसके लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ आपको टाइमली मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।